अकल से काम लेना। पेपर्स पर दस्तखत लेते समय चेहरे पर खुशी मत झलकने देना। और दूसरी बात, पेपर्स तभी सामने आए जब दस्तखत का टाइम आए। अगर किसी ने पढ़ लिया तो समझो खेल खत्म। और मेरी शर्त के मुताबिक हरिमोहन स्वीट्स की 4 दुकानें मेरी, जो मैंने मेरे लॉयर से डलवा दी। बाकी सब तुम लोगों का। ध्यान रहे, गिरीश जी कोई बखेड़ा खड़ा ना करे। अपनों से ज्यादा मैं आप पर भरोसा करता हूं अग्रवाल साहब। पेपर से मैं भी नहीं पढ़ूंगा और ना ही किसी को पढ़ने दूंगा। बाबूजी ने खुद बंटवारा तय किया है। और क्या मांगे गोपाल जी से? मिठाई जाएगी जेल और वो नालायक सिद्धार्थ जाएगा सिंगापुर। रास्ते के सारे कांटे निकाल चुके हैं। इस कुंडली के खुलने के बाद गिरीश भाई साहब भी मुझे गालियां नहीं देंगे। चलता हूं। सिड, हाय, सॉरी, वो मैं। सिड, आई एम सॉरी टू। मेरी बात सुन प्लीज। हमारे पेपर्स रेडी हैं, हम सिंगापुर जा रहे हैं। यहाँ जो भी हुआ फॉरगेट इट। मिठाई जेल जाना चाहती है ना, जाने दे। हु इज शी? और अब तो दादो ने भी कह दिया कि वही जेल जाएगी। मॉम और दादो बैठ के सब सॉर्ट कर रहे हैं। सिड, मैं तो तेरी फ्रेंड हूं ना, तू मुझ पे ट्रस्ट नहीं करेगा? सिड, मैं तुझसे बात कर रही हूं। अपेक्षा, धीरेंद्र से आवाज नहीं आती कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। इस घर में किसी के अंदर से आवाज नहीं आती। कोई समझ कैसे नहीं रहा कि मिठाई इज इनोसेंट, दादू भी नहीं। तुम सब लोगों को हो क्या गया है? अंदर की आवाज एंड ऑल दैट रबिश। मुझे सिर्फ इतना पता है तू जेल नहीं जाएगा। एटलीस्ट फॉर दादू एंड दादी, हम सब लोग जो तुझसे प्यार करते हैं, हमारे खातिर। सिर तो कुछ नहीं बोलेगा, प्लीज। मिठाई? ओह नो, ये मिस पनौती, तुम्हारी अभी भी इतनी हिम्मत हो गई? अपेक्षा दीदी, मिठाई बस ये कहने आई थी कि दत्तू के पोते को दत्तू ने बुलाया है, बाकी कुछ नहीं। जय गोपाल। बाबूजी, बस यही एक फैसला सबके लिए सही है, आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके पोते सिर के लिए भी। बाबूजी, ये पेपर रेडी है, आप सिद्धार्थ से साइन करवा लीजिए। वो क्या है कि कोर्ट अभी बंद होने में टाइम है, तो अर्जी अगर आज लग गई तो फैसला आज ही हो जाएगा। सिद्धार्थ, उपाध्यक्ष से कागजात ले ले और दस्तखत कर दे। कोर्ट बंद है वैसे पहले अर्जी लग जानी चाहिए। में जो लिखा है भाई, आपने अच्छी तरह से पढ़ तो लिया है ना? कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बरसन से आप ही देखते आ रहे हैं भाई खातो। हाँ जी, सब ठीक है। आप रुकिए, दादू के पोते, दस्तखत मत कीजिए। क्या जरूरत है बंटवारा करने की? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? सिद्धार्थ जी कल कोर्ट में बेकसूर साबित होकर घर वापस आ जाएंगे ना, तो इतनी जल्दबाजी किस बात की? आज नहीं मिठाई, इस घर के फैसले घर के लोग ही लेंगे। सही कह रहा मेरा बेटा, तू बाहर वाली है, पहले ही तू बहुत रायता फैला चुकी है। क्या मौके पे अपना मुंह बंद रख। दद्दू, इस अनपढ़ मिठाई का 8 GB वाला दिमाग ये कह रहा है कि बिना पढ़े किसी भी कागज पर दस्तखत नहीं करना चाहिए।
ए लड़के, क्या बोली तू? अरे सड़क पर जलेबी बेचने वाली लड़की घर के दामाद की नियत पर शक कर रही है तू? हाँ। तू फिर बोल पड़ी, घर के मामलों में टांग उड़ाने से बास नहीं आएगी तू, वो बंद नहीं कर सकती। हाथ नीचे, मैंने कही हाथ नीचे। बाबूजी बाबूजी करे धोखेबाज, तेरी नियत की असलियत आएगी सबके सामने। तत्तू अब चिल्ला रही है, जब पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है तो ऐसे कितनी बार पूछो, तब तू क्यों चुप रही? परिवार की इतनी चिंता है तो सच क्यों ना बोले? तू सब जाने है फिर भी, अरे सबूत के बिना तो अदालत में भी सुनवाई ना हो, ये तो परिवार की अदालत है, क्या सुनेगी? शुभम आ जा बेटा अंदर। साथ बिछी भई है, सब अपना अपना खेल खेल रहे हैं। तो मोई भी या खेल में उतर नहीं पड़ो, या खेल में भई एक सौदेबाजी, एक सौदा भयो मेरे दामाद के बीच मेरी छोटी बहू के साथ और मेरे दोनों बेटान ने अग्रवाल जी के साथ, या नाम पे इन सबको नाज है, हरिमोहन स्वीट्स। ऐसो ये कहे हैं भाई, नाम पे कालिख पोतने की साजिश सचिन सब है। जैसे ही पता लगो कि जे कारोबार सिद्धार्थ के नाम होएगा, तुम सबने एक साजिश रची और सिद्धार्थ को जेल भिजवा दियो। मैं पूछूं आखिर क्यों? क्योंकि सबको चाहिए हो बंटवारो। वाह, क्यों का कोई भूत आएगा का? सच को सामने लाने के लिए मैंने वाह मोहरा को इस्तेमाल कियो, चाहे सब जाने क्योंकि वो वहां से हाथ मिला चुके हैं। अग्रवाल जी आओ हमारे कुनबा की अदालत में और सच बयान करो। शांति से बैठ के बातें करते हैं। प्रमोद जी ने कुछ बताया कि नहीं डील के बारे में? मेरे बेटे को अरेस्ट कराने में क्या डील की जरा मैं भी तो सुनूं। प्रमोद जी ने हमसे एक अग्रीमेंट साइन किया है कि एक बार आपका घर और आपकी दुकानें आपके नाम हो जाए तो तीन दुकानें हमारी। बाबूजी ने खुद बंटवारा तय किया है और क्या मांगे गोपाल जी से? मिठाई जाएगी जेल और वो नालायक सिद्धार्थ जाएगा सिंगापुर। रास्ते के सारे कांटे निकाल चुके हैं।
चाचा चाची और फूफा सिद्धार्थ को जेल से निकलवाने की बजाय डबल स्पीड से प्रॉपर्टी को हथियावे में लगे भाई। तभी मैंने शुभम को प्रमोद के पीछे लगा दियो। अप्रोच ज्यादा मैं आप पर भरोसा करता हूं अग्रवाल साहब। बस इस कुंडली के खुलने के बाद गिरीश भाई साहब की गालियां भी नहीं सुननी पड़ेगी। तो आपका शक सही निकला। अग्रवाल जी अगर सौदा ही करना हो तो मुझसे पहले ही हाथ मिला लेते आप। अग्रवाल जी जो खरीदवे को उतावले हो ना वो बिकवे को भी जल्दी तैयार है जाए। धंधा है पर जरा गंदा है। भाई जो हमें बेहतर डील देगा हम तो उसके साथ हैं। मेरे परिवार ने इनसे चार दुकानों को वायदा किया और मैंने इनसे सच निकलवावे के लिए वहां वायदे को निभावे की गारंटी दी। तू मिठाई सिद्धार्थ को और मेरा दिल न दुखे क्या हमारे सारो सच पा लियो तेने। अरे हरिमोहन चौबे अभी इतना मुर्दार ना है। थैंक यू अंकल मैं आपको ब्लेम नहीं कर सकता। धोखा देने वाले इस तरफ भी हैं और उस तरफ भी लेकिन हाँ मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं हमारी चार दुकानें बंद नहीं होंगी बल्कि और चार दुकानें खुलेंगी आपके कंपटीशन में। धोखे का जवाब धोखे से हिसाब बराबर। जय गोपाल जल गई दत्तू के पोते की दिमाग की बत्ती। अरे ये तो गलत है आपने कहा था कि साम दाम दंड भेज जो गलत करेगा वह वैसा ही जवाब दिया जाएगा। और अग्रवाल जी आप तो बिजनेस में हमारी प्रतिस्पर्धी है मुकाबला ही करना है तो मिठाई के मैदान में आके मुकाबला करो। पीठ पीछे वार करना अच्छी बात ना है। कम अग्रवाल अंकल मैं आपको बाहर का रास्ता दिखाता हूं आइए चलिए। चल बेटा मिठाई यहां से ना तो मैं गोपाल जी हूं और ना ही द्रोणाचार्य। अब और यहां खड़े है वे की हिम्मत ना है मुबे। थैंक्स टू ऑल माई फैमिली मेंबर्स। वैसे भी मुझे फैमिली पसंद नहीं थी लेकिन आज आप लोगों ने मेरी नापसंद को नफरत में बदल दिया। एंड थैंक्स सर आपने दिखा दिया कि आपकी सोच कितनी छोटी है। नाउ आई नो कि मेरी माँ इतनी जल्दी इस दुनिया से क्यों चली गई। शुभम तो अफीन का सपोला निकला पता नहीं किसका गंदा खून है हमसे ही दगाबाजी कर बैठा जी। सही किया उसने। अरे क्या हो गया जी आपको? शर्माती है खुद पे। तुमने बाबूजी और अम्मा के चेहरे देखे इतनी पीड़ा इतना दुख। एक बेटा जब अपने ही बाप से दगाबाजी करे उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? दगाबाजी कैसी? हाँ बाप से बेटा अपना हक नहीं मांग सकता है क्या? देखो आप है ना अपना दिमाग उल्टा मत घूमने दो जी। हाँ बता रही हूँ मैं।
आपने दिखा दिया कि आपकी सोच कितनी छोटी है। नाउ आई नो कि मेरी मां इतनी जल्दी इस दुनिया से क्यों चली गई। पापा, आपने जो भी किया सिड और मिठाई के साथ वो सही नहीं था। मैं एक बार आपके कहने पर मिठाई के साथ गलत कर चुका हूं, दादू का विश्वास खो चुका हूं, खुद की नजर में गिर चुका हूं, लेकिन और नहीं। मैं शायद इस जन्म में आपका बेटा बन पाऊं, लेकिन हां, एक अच्छा इंसान बन सकता हूं मैं। इस जन्म में तो क्या, अगले किसी जन्म में तू मेरा बेटा नहीं बनेगा। खबरदार, जो अपनी गंदी जुबान से मेरा कभी नाम लिया तो चल निकल। दो घोड़ों पे सवार हुआ, अब तो मेरी दुर्गति होनी तय है, ना घर करा ना घाट का। प्रमोद बाबू, अब तो गए काम से। देखा क्या 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 किया मेरे साथ इन लोगों ने, कुछ दमक साथ कोई ऐसा करता क्या? सपने का तो इतना बड़ा झटका लगा, अगर सच हो गया तो? गोपाल, तुमने अपना काम कर दिया, सच सबके सामने आ गया। अब बस तत्तू के पोते को बचा लो, वो बेकसूर है। शांत, मैं कहना चाह रहा था कि आई एम नहीं दद्दू के पोते, आई लव यू टाइप का कुछ भी मत बोलना। खुली आंखों से इतना बुरा सपना मिठाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तुम्हारी खोपड़ी हमेशा उल्टी चलती है क्या? मैं कहना चाह रहा था कि आई एम सॉरी। ना सॉरी, एक और बार भूले ना, सुनाई नहीं दिया ढंग से। I'm sorry, मैंने वो शायद गोपाल जी, मेरी मिठाई के माथे पे कलंक लगने से बचा लियो। गलत काम नहीं कर सके। मिठाई इंदु, बहुत रुलाया मैंने तुमको, पर क्या कर दो, सच सबके सामने लाना बहुत जरूरी हो। मैं माफी। नहीं ना बाबूजी, आप माफी मत मांगिए, माफी तो मैं मांगू आपसे। समझ नहीं पाए गोपाल जी की ये लीला सबको कछु ना कछु सिखाई के जाएगी, और जो सीखना चाहेगा भाई को। और मिठाई,
बेटा तेने ऐसे कैसे समझ लियो कि मैं अपने पोते को बचाने के लिए तो जेल भिजवा दूं? सॉरी दत्तू, मैंने बहुत सारी बातें छुपाई आपसे। अब सफाई मत दे मिठाई। तेने हरिमोहन चौबे को इतना कमजोर समझो है? अभी भी अपने को वार अपनी छाती पे झेल सके ये बूढ़ा, पर लड़ाई से पीछे ना हट सके, इतना सबक याद रख। सच्चाई को जब दम घुटे है ना, जब पापे कोई पर्दा डालने की कोशिश करे, लेकिन मौका मिलते ही सच्चाई बाहर आ जाए। ये बात मिठाई कभी नहीं भूलेगी दत्तू। पर दत्तू, टेंशन अब भी है। दत्तू के मतलब आपके पोते को जेल जाने से कैसे बचाएंगे हम?